अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप कितने तैयार हैं? क्या आपने इस सवाल पर अभी सोचना शुरू किया है या नहीं? आप सभी के एग्जाम अब बहुत ही जल्द आने वाले हैं। बहुत सारे लोग प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को दे रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्स को दिया होगा, अपने प्री बोर्ड की तैयारी आप कर रहे होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक विद्यार्थी को अपने आप से पूछना चाहिए, चाहे वह एक टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे वह एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वह एक डल स्टूडेंट हो। यह सवाल सभी के मन में चलना चाहिए कि क्या मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए आज अभी इस वक्त मैं कितना तैयार हूं। यह सवाल आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है जो आपको आपकी तैयारी को, आपकी कमियों को, आपके इस चुनौती को आप कितने अच्छे से पार पाएंगे, यह सारे सवालों का जवाब आपको यही सवाल देने वाला है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग लगातार पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। वह फोकस करते हैं सिलेबस को ज्यादा कंप्लीट करने पे, ज्यादा ज्यादा वो सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, बजाय यह जाने कि एक एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम के अंदर हमसे कैसे सवाल पूछता है, क्या मैं तैयार हूं या नहीं। और इसी चीज को सॉल्व करते हैं हमारे तीन तत्व, यानी कि तीन एलिमेंट जिसको मैं बताऊंगा। पहले है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए दोस्तों, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपका गोल बोर्ड एग्जाम में पास होना, टॉप करना, कोई भी आपका गोल हो, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब अपने बोर्ड एग्जाम को आप देने जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड की मेंटेलिटी, बोर्ड के असेसमेंट एरिया, ये सारी बातें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता पाएंगे। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज अभी इसी वक्त 60-70% क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में है। और अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी को लेकर के सावधान हो जाना है। आपको उन टॉपिक्स पर, उन चीजों पर फोकस करना है, उन चैप्टर्स पर फोकस करना है जो आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ज्यादा देखने को मिले हैं। उन्हें टॉपिक्स को बार बार आपको पढ़ना है, उन्हें क्वेश्चन उन पर लगाने हैं, उनका रिवीजन करना है, उनके बारे में ही नोट्स बनाना है। ये सारी चीजें आपको क्लियर करके देगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और मैं दूसरा पॉइंट आपको बताऊंगा, बी योर ओन एनालाइजर। देखिए, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर, ये मैं बहुत ही कड़वी बात लेकिन सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर आपको आपकी तैयारी का पूरा आकलन करते हुए नहीं देगा। यानी आप कितने तैयार हैं, या कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर नहीं बता सकता। यह सिर्फ आप अपने सेल्फ असेसमेंट से, सेल्फ एनालिसिस से, सेल्फ टेस्टिंग से आप बता सकते हैं। और इसके लिए आपको सॉल्व करने हैं लेटेस्ट सैंपल पेपर, जो कि आपके लिए हर पब्लिशर के द्वारा निकाले जाते हैं। इन सैंपल पेपर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे किस तरीके से नए टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है, आप सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, और अब आपकी तैयारी ऐसी है कि आपको यही तैयारी आपकी बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंस देगी। तो ये एलिमेंट आपको जोड़ना है। तीसरा एलिमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो यह है कि मोर फोकस ऑन रिवीजन। देखिए, जब आप अपनी टेस्टिंग को आप कर लेंगे, अपने सेल्फ एनालिसिस को कर लेंगे, स्ट्रांग एरिया, वीक एरिया, ये सब आपने फाइंड आउट कर लिया, तो आप ये पाएंगे कि आपने सिलेबस को कंप्लीट करने में ज्यादा जोर लगाया, बजाय इसके कि मैं रिवीजन ज्यादा करूं। तो अब वह समय आ चुका है कि आपने जितने चैप्टर पे आपको लगता है परफेक्शन आपने हासिल कर ली है, आप उन चैप्टर्स को रिवाइज करिए, और नए चैप्टर्स जो आपके छूटे हुए हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपने अपने सैंपल पेपर, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, इन सब से निकाला है, उन टॉपिक्स पे आप ज्यादा आपको फोकस करना है, बजाय इसके कि आप कंप्लीट सिलेबस कर ले बिना बोर्ड के क्वेश्चन पैटर्न को जाने, बिना बोर्ड किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और हमेशा याद रखें, जब भी अपनी थ्योरी को पढ़े, अपने न्यूमेरिकल कोई भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, हमेशा न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा ज्यादा सॉल्व करें। इसीलिए आपको सैंपल पेपर बार बार कहा जाता है, इसलिए नहीं कि आप इस चक्कर में पड़ जाए कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा या नहीं, पेपर कहां से आ रहा है, नहीं, क्वेश्चंस आपके वहीं से होंगे, बेस आपका वही होगा, बस पैटर्न आपका बदला जाएगा। यानी क्वेश्चन को पूछने का तरीका बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा,
बहुत ज्यादा टेक्निकल होगा और आपको उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश बोर्ड के द्वारा की जाएगी और इससे आपको बचाता है आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर। तो अपनी तैयारी के अंदर इन एलिमेंट को जोड़िए, इन पर अगर आपकी मास्टरी हो जाती है तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में है, आप अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर सफल होंगे। मिलेंगे अपने अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।